अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं साबूदाना की खीर, जो कि बहुत इजी है बनाने के लिए और बहुत मज़े की बनती है। के लिए हमें एक कप साबूदाना लेना है और एक बार पानी में अच्छे से धो लीजिए। इसमें एक गिलास पानी डालकर 3 से 4 घंटों के लिए सोक कर लीजिए। एक कड़े ले लीजिए और इसमें 3 से 4 टेबलस्पून देसी घी डालना है। घी गर्म होने के बाद काजू, किशमिश या जो भी आपके मनपसंद के ड्राई फ्रूट्स, इसको घी में लाइट ब्राउन कलर होने तक फ्राई कर लीजिए। इसी कड़े में हमें 2 कप पानी लेना है और इसको अच्छे से उबाल आने तक पका लेना है। जब पानी में अच्छे से उबाल आ जाए तभी हम भीगे हुए साबूदाना को डाल देंगे। हमें साबूदाना को 80% पका लेना है। जब ये अच्छे से पक जाए हमें धीमी आंच में रखकर इसमें 2 कप दूध डालकर अच्छे से मिक्स कर लीजिए। जब दूध में अच्छे से उबाल आ जाए, जिस कप से हमने साबूदाना लिया था उसी कप से 1 कप चीनी डालकर 5 से 10 मिनट्स अच्छे से कुक कर लेना है। इसमें थोड़ा सा ग्रीन फूड कलर डालेंगे, जो कि ऑप्शनल है, आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं। और लास्ट में इलायची पाउडर और फ्राई किए हुए ड्राई फ्रूट्स डाल के अच्छे से मिक्स कर लीजिए। डिलीशियस साबूदाना की खीर बनके तैयार हुई है। आप भी घर में ज़रूर ट्राई करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।